एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं। आप लोगों को मैं हैरान हूँ कि आप ये तीन चार औरतों से डर रहे हैं। इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही हैं, केसेस भी हम इन्हें देखने हैं। हमारे पास ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं। हम बेबस हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इमरान खान के लिए। हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं हम आपके साथ आके बैठने को तैयार थे। आज हमारा इमरान खान से काफ़ी चीज़ों पर तबादल ख्याल हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक और बात करना चाहती हूँ। आजकल मेरे ऊपर ख़ास तौर पे टेलीविज़न की भी जीनत बने हुए हैं। इस वक्त एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आए हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता बता के थक गए हैं। क्या आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, एक बात मैं बारी बारी पिछले एक साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि लीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कहो कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें। कि अगर हम फिर से कहने लगें कि हम सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहाँ देख लें ये खवातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम ही इमरान के घर की फैमिली हैं जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूँ कि आप ये तीन चार औरतों से डर रहे हैं। आप तीन चार खवातीन से, मीडिया सेल भी हम ही हैं, इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही हैं, केसेस भी हम इन्हें देखने हैं। हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सवाल पूछ लें कि क्या हमारा भी आखिरी ज़िंदगी का ख्वाब सियासत है। मैं आपको ये बात करते हुए मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकॉनमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी, हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्ज़ी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्ज़ी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप जब जाके कहते हैं कि हमें पैगाम आते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप कहते हैं कि आपके हमारे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, हम उनको कहते हैं ये हमारी सिक्योरिटी चल रही है। आप हमारे पीछे पीछे फिरते हैं ख़वातीन के पीछे। क्या आया पाकिस्तान की ये हाल हो गया है कि आपको औरतों से डर लगना शुरू हो गया है? क्या हाल हो गया इस वक्त? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप अपना रस्म ज़िंदगी की सीधी करें, इस मुल्क के लिए फ़िक्र करें। हम फिर भी इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। आप जितना मर्ज़ी तमाशा टीवी पे बना दें, आप नून लीग को तो वैसे और कुछ करने को नहीं है, और जो भी साथ उनके साथ मिलके कर रहे हैं सब लग जाएं, हम फिर भी खड़े रहेंगे। एक दूसरा, इमरान खान की ज़िंदगी का सवाल है। उनके ऊपर इस वक्त 6 दफ़ा, आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंदर से ये डरे हुए लोग पैगाम भेज रहे हैं। जब जलसा ख़त्म करना होता है पाँव पर जाते हैं, 8 तारीख को अग्री कर लेते हैं और मजबूर करते हैं। लेकिन अब इमरान खान की जो सारा अमला है उसको उन्होंने बदल दिया, 3री दफ़ा बदल रहे हैं। और हमारे पास क्या रास्ता है कि हम बेबस हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इमरान खान के लिए? हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं हम आपके साथ आके बैठने को तैयार थे, लेकिन अब इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप 8 तारीख को आप जलसे पे जाएंगे, हम शामिल होंगे। अगर आपने उनकी जो
ये क्या कहते हैं अडयाला की जो इस वक्त मैं कह रही हूँ कि सूरत हाल है, जो लोग ये खुद लगाते हैं, तब्दील करके खुद लगाते हैं, उनको ये खुद जाकर तीसरी दफ़ा बदल रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं जो उनके साथ गार्ड्स होते हैं जहाँ उनके करीब, उनको इजाज़त नहीं है कि वो सेल के करीब आके बैठे, उनको कहा हुआ दूर जाके बैठो कहीं इमरान खान बात ना कर ले उनसे। तो ये इनकी अंदर की सूरत हाल है। 8 सितंबर को हम सब शामिल होंगे। और मैं फिर से इमरान खान ने कहा है कि आपने बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, आपने ये नहीं सोचना कि इमरान खान की तरफ से पैगाम आ रहा है। लेकिन ये क्लियर हो जाएं, ये फिर हमें आए के कहेंगे कि जी बम फटने लगा है। हमने तो कहा है कि ये 400 धमकियां आके दें कि रास्ते में रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं, बम आ गए हैं, हम तो आ रहे हैं 8 तारीख को इंशाल्लाह, हम नहीं अब रुकेंगे, हम लेंगे अपनी जिस हमारे भाई को तो अंदर डाला हुआ है जो जुल्म कर रहे हैं, बाकी कैदियों को मिलिट्री जेल्स में जिनको डाला हुआ है, जिनके घरों पे अभी तक रेड होती है। जब आप हमारा तमाशा टीवी के ऊपर बनाएंगे, आप याद रखें जो करने वाले हैं अपने घरों का सोचें। आप अगर घरेलू खवातीन थोड़ी सी लेकर, ये हाल हो गया है, कल जब आप अपने घरों में जाते हैं आपको क्या महसूस होता है, अपने घर की खवातीन को क्या जाके बताते हैं कि आज हम क्या मारका मार के आए हैं? आप उनको ये बताते हैं हम लोगों की घर की खवातीन का तमाशा बना कर आए? नहीं तमाशा बनता, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो आइंदा के लिए भी जो पैगाम होगा इस किस्म का, खान साहब ने उनको 3-4 जो लोगों को कहा हुआ है कि आपने मखसूस जो पैगाम देना है वो आके दिया करेंगे आपको इंशाल्लाह।